नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। ललितपुर में विगत दिनों पूर्व तहसील तालबीहट के अंतर्गत ग्राम एवनी में प्राइमरी और जूनियर विद्यालय प्रांगण की दीवार पर लिखे कथन पर काफी विवाद उत्पन्न हुआ, जो कि धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने वाला था। इस पर सभी ब्राह्मण संगठनों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी, जिस पर जिला प्रशासन हरकत में आया और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से प्रांगण में स्थित दोनों विद्यालय के मास्टरों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर अग्रिम कार्रवाई के लिए खंड शिक्षा अधिकारी तालबीहट को जांच सौंपी है। और वहीं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया है कि जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। एक शिक्षक को इस तरीके के कथन लिखना शोभा नहीं देता है। वहीं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने विरोध कर रहे संगठनों से अपील की है कि इस तरीके के कथन लिखना गलत है और जो भी शिक्षक किसी की भी धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने का काम करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। अपील करते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। बताया है कि उक्त प्रकरण की जांच कर दोषी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामला है एवनी तालबीहट का, इसमें आप ब्राह्मण समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम आपके चैनल के माध्यम से ब्राह्मण समाज से अपील करना चाहते हैं, ये संदेश देना चाहते हैं कि जो दोषी अध्यापक थे उनको तुरंत निलंबित कर दिया गया है। तत्काल ही उस स्लोगन को हटा भी दिया गया है। जांच के बाद जिसकी जितनी भूमिका आएगी उसी के अकॉर्डिंग उसको दंड भी दिया जाएगा और वर्तमान में त्वरित कार्रवाई की गई है। हमारा ब्राह्मण समाज से अनुरोध है कि वो अपने विरोध प्रतिरोध को स्थगित कर दें जांच रिपोर्ट आने तक। जांच रिपोर्ट के बाद जो कार्रवाई की जाएगी उससे हर हाल में दोषियों को किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और इस समय जनपद में शैक्षिक माहौल और विद्यालय का कायाकल्प परिवर्तन का काम जोर शोर पे चल रहा है, जिसको कोई भी किसी भी जनपद के किसी भी क्षेत्र में विद्यालयों की इस वर्तमान दशा को देख सकता है। तो आपका सहयोग हमें इसलिए चाहिए ताकि उस काम को हम आगे बढ़ा सकें और शैक्षिक माहौल पुनः स्थापित हो सके और हमारे किसी भी विद्यालय में इस तरह की कोई पुनरावृत्ति न हो। इसके भी लिखित आदेश हमने सभी अध्यापकों को और खंड शिक्षा अधिकारियों को जारी कर दिए हैं कि ऐसा कोई भी स्लोगन किसी भी विद्यालय परिसर में नहीं लिखा होना चाहिए, जिससे किसी भी धर्म विशेष या जाति विशेष या समूह विशेष की भावना आहत होती। तो पुनः मैं ब्राह्मण समाज से अनुरोध करना चाहता हूँ कि कार्रवाई तत्काल में कर दी गई है, अतः आप अपने प्रतिरोध को स्थगित कर दें और हमारा सहयोग करें जिससे जनपद में और शैक्षिक उन्नयन का काम किया जाए। अभी क्या कार्रवाई की गई है उनके? अभी तत्काल प्रभाव से दोनों खंड शिक्षा दोनों अध्यापकों को निलंबित किया जा चुका है और शिथिल पर्यवेक्षण के लिए वहां के खंड शिक्षा अधिकारी को शो कॉज नोटिस भी जारी किया जा चुका है।